जितनी भी हाउ डू यू से ट्रेडिशंस होते हैं, रिलीजन होते हैं, बड़ा पर्सनल मामला है. आई थिंक चिल्ड्रन, ग्रोन अप्स, एवरीबॉडी शुड बी लेफ्ट टू लर्न इट देमसेल्व्स. हालांकि हमारे माँ बाप ने हमको हर चीज़ से इंट्रोड्यूस ज़रूर करा दिया. सो मैं जिस कॉलोनी में रहता था वहाँ पे इट वॉज रेफ्यूजी कॉलोनी, तो मैं रामलीला में भी जाता था तो मेरे बाप उतने खुश थे, हम ईद के लिए भी जाते थे तो बाप उतने खुश थे. एंड देन यू लर्न एंड रिस्पेक्ट ईच अदर एंड लव ईच अदर बिकॉज यू लर्न ईच अदर्स रिलीजन ऑन योर ओन. सो आई होप माई चिल्ड्रन डू द सेम. तो मेरी यादें भी यही हैं उनके लिए, मेरी सोच भी यही है. कभी रात को बैठ के मैं, अभी रिसेंटली मैं पिछले 1.5 साल से मैं महाभारत पढ़ रहा हूँ बिकॉज आई लव द स्टोरीज इन इट. तो वो भी मैं अब राम को सुनाता हूँ, थोड़ा चेंज कर लेता हूँ टू मेक इट मोर एक्साइटिंग फॉर हिम. सिमिलरली जो किस्से कहानियाँ मुझे मालूम है इस्लाम के, वो भी मैं उनको बताता हूँ. बट आई टेल देम माई स्टोरीज एंड आई होप दे लर्न ऑल द रिलीजन्स ऑन देयर ओन एंड रिस्पेक्ट इट एंड enjoy the fact that there are traditions and beauty there which needs to be respected and loved.